वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 मार्च 2019 पर 20 मार्च 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमोद सावंत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में प्रमोद सावंत ने गोवा के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्रमोद सावंत और ये अब गोवा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का निधन हुआ है, उसके बाद अब ये गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। अब बात आ गई गोवा की, तो आप मैप में देखिए, ये है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के अब चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा की गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा। और इन्होंने ही प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। अच्छा, गोवा से दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आपको हमेशा बताए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि गोवा लिबरेशन डे। तो हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा स्थापना दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। तो इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 6 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में मित्र शक्ति 6 आयोजित किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार ये 6ठा मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। बात आ गई श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे, ये दो कैपिटल हैं। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मैत्रीपाला सिरीसेना। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। इतना आप श्रीलंका के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय टेनिस खिलाड़ी नवीनतम एटीपी रैंकिंग में 84वें स्थान पर पहुंचे हैं? तो अभी हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन एटीपी रैंकिंग में 84वें स्थान पर आ गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है एटीपी? तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो इसकी अभी हाल ही में एक लेटेस्ट रैंकिंग आई है और इस रैंकिंग में प्रजनेश गुणेश्वरन 84वें स्थान पर पहुंचे हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने स्मार्ट यातायात समाधान लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में ओला ने स्मार्ट यातायात समाधान लागू करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तेलंगाना में जो यातायात है उसको और सुगम और अपडेटेड बनाने के लिए ओला ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। अब बात आई तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? अब भी हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हा। अच्छा, तेलंगाना का गठन कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में डेरिल डी मोंटे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेरिल डी मोंटे ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे डेरिल डी मोंटे और ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे और पर्यावरण कार्यकर्ता भी थे। इनका अभी हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया है। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया था और द इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी इन्होंने लेख लिखे थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में जस्टिस पीसी घोष को भारत के पहले लोकपाल के रूप में नामित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस पीसी घोष और इनको भारत के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में नामित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में असम में आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये है क्या आई हेल्प पहल? तो डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए असम ने ये आई हेल्प पहल शुरू की है। अभी आपको पता है लोकसभा का चुनाव होना है, तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा साक्षरता बढ़ाने के लिए, यानी कि जो डिजिटल साक्षरता है उसको बढ़ाने के लिए असम ने ये आई हेल्प पहल शुरू की है। अब असम ने की है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, जब भी बात असम की आती है मैं आपको हमेशा एक नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए हमेशा जब भी असम की बात आती है मैं आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जरूर बताता हूँ। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा भी एक और असम का नेशनल पार्क फेमस है, उसका नाम क्या है? मानस नेशनल पार्क। तो उसका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मांखी गांव का नाम बदला गया है? तो नागालैंड का ये गांव है मांखी, इसका अभी हाल ही में नाम बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने प्रदेश के नाम बदलते देखे होंगे, जिलों के नाम बदलते देखे होंगे, तहसील के नाम बदलते देखे होंगे, लेकिन ये नागालैंड का एक गांव है मांखी, इसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा, इसका नाम बदल के किया क्या गया है? तो मुन गुन खुंग इसका नाम रखा गया है। मांखी पहले नाम था और अब बदल के कर दिया गया है मुन गुन खुंग, तो ये आपको याद रखना है। अब नागालैंड का है ये गांव, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? पद्मनाभा आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना परियोजना के लिए इंडिया के एक्सिम बैंक के साथ समझौता किया है। ये एक्सिस नहीं है, ये एक्सिम बैंक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एक्सिम बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसके साथ अभी हाल ही में मालदीव ने समझौता किया है। आपको पता है हमारी विदेश मंत्री अभी मालदीव गई हुई हैं और वहीं पे ये समझौता हुआ है। अब मालदीव की बात फिर से आ गई तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंकल ओलंपिक के नाम से मशहूर बिजनेसमैन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो ये थे नाओतोशी यामादा और इनको अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाता था और ये जापान के थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्या नाम था इनका? नाओतोशी यामादा और ये जापान के थे। अच्छा, इनको अंकल ओलंपिक के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1964 से लेकर 2016 तक जितने भी ओलंपिक हुए हर ओलंपिक में ये गए, जापान का फ्लैग लेकर इस टाइप की टोपी पहनकर ये हर ओलंपिक में जाते थे और जापान के नारे लगाते थे, इसीलिए इनको अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। अब इनका निधन हो गया है। अब ये जापान के थे तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को 1.6 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को 1.6 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में जरूर आया होगा कि क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का और भुगतान बीसीसीआई को क्यों किया, क्योंकि जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उसके और आईसीसी के बीच में एक केस चल रहा था, उस केस को हार गया है पाकिस्तान और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई को 1.6 मिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान के बीच तीसरी कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में भारत जापान के बीच तीसरी कार्यशाला आयोजित की गई है दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये कार्यशाला क्या है? तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में है ये कार्यशाला, यानी कि वर्कशॉप, और ये तीसरी इंडो जापान वर्कशॉप है और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कूर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य में उगाई जाती है? तो कूर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक में उगाई जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।